हाय गाइस, वंस अगेन मोस्ट वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स केटीबिस किचन। सो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ गुजरात का फेमस स्ट्रीट फूड रेसिपी, दैट इज़ सेव तरी। जहाँ पे हम सेव सल खाते हैं वहाँ पे सेव तरी भी मिलती है, जो बहुत ही चटपटी, टेस्टी और तीखी होती है। सो आज मैं सेव तरी और चीज़ सेव तरी की रेसिपी शेयर करूँगी। सो इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। हमें चाहिए 15 लहसुन की कलियाँ, आधा टमाटर का टुकड़ा, रेड चिली पाउडर चाहिए, 4 से 5 सूखी लाल मिर्च है जिसको मैंने 2 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो के रखा था, और हमें चाहिए नमक स्वाद अनुसार। सो हमें एक मिक्सिंग जार ले लेना है, उसमें हमें डालनी है 4 से 5 सूखी लाल मिर्च। इसे आपको गर्म पानी में 2 घंटे के लिए अवश्य भिगो के रखना है, उसके बाद ही ये चटनी बनेगी। उसमें हमें डालना है 15 लहसुन की कलियाँ, आधा टमाटर का टुकड़ा, इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर। ये चटनी स्पाइसी बनेगी। 1 चम्मच हम डाल देंगे रेड चिली पाउडर। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप ज़्यादा रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हो। और नमक हमें स्वाद अनुसार डालना है, और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के हमें इसे ग्राइंड कर देना है और स्मूथ पेस्ट में चटनी में कन्वर्ट कर देना है। ग्राइंड होने के बाद हमारी चटनी बन के रेडी है, आप देख सकते हो। ये चटनी तीखी है और बहुत ही चटपटी और टेस्टी है। सो इसे हमें एक बोल में निकाल देना है। चटनी बन जाने के बाद हमें चटनी को थोड़ा सा पकाना है, ताकि उसका जो कच्चापन है वो थोड़ा सा दूर हो जाए। सो हमारी सेव तरी के लिए जो चटनी है वो बन के रेडी है। सो यहाँ पे मैंने एक बर्तन को गैस पे चढ़ा दिया है। सो अभी इस चटनी को हम थोड़ा सा पकाएंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। सो इसमें मैं डालूंगी 3 चम्मच जितना तेल डालूंगी। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए, उसके बाद जो हमने चटनी बनाई थी वो सारी इसमें डाल देनी है, और लो फ्लेम पे उसको करीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाना है, ताकि उसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। उसके बाद हमारी चटनी बिल्कुल रेडी हो जाएगी सेव तरी के लिए। सेव तरी को इसलिए भी सेव तरी कहा जाता है, क्योंकि हम जब सेव सल बनाते हैं उसके ऊपर जो तेल की तरी बनती है वो भी इसमें डाली जाती है, तो इसको सेव तरी बोलते हैं। इसलिए हमने इसको तेल में थोड़ा सा पकाया है। अगर आप सेव सल घर पे बना रहे हो और साथ में सेव तरी बना रहे हो, तो जो सेव सल के ऊपर से तेल होता है वो भी सेव तरी में आप डाल सकते हो। सो 1 से 1.5 मिनट के बाद हमारी चटनी बनके रेडी हो गई है। सो सेव तरी बनाने के लिए हमें चाहिए ग्रीन अनियंस, ये बहुत ही आवश्यक है, लेमन जूस चाहिए, नमक चाहिए, एक चीज़ क्यूब भी है, और हमारी जो चटनी है वो भी चाहिए। सो सेव तरी बनाने के लिए हमें सेव चाहिए, यानी कि भुजियाँ चाहिए, जो सेव सल में यूज़ होती है। सो अभी हम इसमें चटनी डाल देंगे। चटनी अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, आप कुछ कितनी स्पाइसी सेव तरी बनानी है उतनी चटनी आप डाल सकते हो। सो पहला स्टेप है हमें चटनी डालना है, उसके बाद हमें लेमन जूस डालना है। सो यहाँ पे मैं 1/2 लेमन डाल रही हूँ, जिसका जूस मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है। यहाँ पे हम ग्रीन अनियंस डाल देंगे। ग्रीन अनियंस अवश्य डालें सेव तरी में, ये ज़रूर से डालती हैं, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ा सा नमक डाल देंगे, अगर आवश्यक हो तो नमक डालें। सभी चीज़ों की मात्रा आप अपने अनुसार डिसाइड करें, आपको कितना स्पाइसी चाहिए, नमक चाहिए, लेमन जूस चाहिए, आप अपने मेजरमेंट्स के अनुसार एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, और बस आपकी सेव तरी बन के रेडी है। और एक चीज़, आप इसमें सेव तरी यानी कि जो सेव सल में ऊपर जो तेल बनता है, सेव तरी का तेल, वो भी इसमें डाल सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने उसको 1 प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है, और ऊपर से हम थोड़ी सी जो चटनी बनाई है वो ऊपर से डाल देंगे थोड़ी सी, और ऊपर से ग्रीन अनियंस डाल के उसको डेकोरेट कर देंगे। सो यहाँ पे हमारी तीखी टेस्टी सेव तरी बन के रेडी है। ज़रूर से एक बार घर पे ट्राई कीजिए, बहुत ही टेम्पटिंग और टेस्टी लगती है। और सेव तरी बन जाने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ ग्रेट कर दीजिए, तो वो बन जाएगी चीज़ सेव तरी। सो आप देख सकते हो हमारे पास चीज़ सेव तरी भी बन के रेडी है। ऊपर से चीज़ डाल दीजिए, और भी डिलीशियस बन जाएगी ये चीज़। सो आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर से नीचे कमेंट कीजिए। हमारी सेव तरी की रेसिपी बन के रेडी है, ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिए। मैं आपको जल्द ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलूंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।